सर 21 तारीख से जो स्कूल ओपन होने वाले थे, आगे सरकार की उसमें क्या रणनीति है, आगे स्कूल ओपन होंगे या फिर अभी बंद ही रहेंगे? देखिए, स्कूल खोलना और बंद करना ये पूरा कोरोना की परिस्थिति पर निर्भर करता है। कोरोना का प्रभाव कम हुआ तो स्कूल खुल सकते हैं, और प्रभाव ऐसा ही रहा या और बढ़ा तो अभी नहीं खुलेंगे, फिर समय पर समीक्षा करेंगे और समय पर तय करेंगे। जिस तरह से लगातार केस बढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आगे भी और निश्चित रूप से सबको ही लग रहा है, सारे समाज को लग रहा है, सबको लग रहा है। इसलिए अभी मुझे नहीं लगता है कि हम 31 तारीख को स्कूल खोलने की स्थिति में रहेंगे। भाई साहब, एक समस्या और थी, जो दूरस्थ इलाके हैं जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्र है, उसमें छात्रों को नेटवर्क की प्रॉब्लम है, कहीं नेट प्रॉब्लम है, तो उसमें पढ़ाई को लेकर क्या व्यवस्था की जाए? देखिए, हमारी स्पष्ट मान्यता है कि ऑनलाइन पढ़ाई सब दूर आज की परिस्थिति में नहीं हो सकती है, विशेष करके सरकार के स्कूलों में। परंतु क्योंकि बिल्कुल पढ़ाई बंद होने से तो ऑनलाइन एक विकल्प के तौर पे काम चलाओ, जिसको व्यवस्था कह सकते हैं हम, उसके रूप में हम काम करते हैं। हम पूर्ण रूप से ऑनलाइन पढ़ाई पर निर्भर नहीं हैं। इसलिए हमने विद्यार्थियों को और शिक्षकों को दोनों को कहा है कि अपने विद्यार्थियों से शिक्षक भी संपर्क रखें, और विद्यार्थी भी अपने शिक्षक से यदि कोई कठिनाई आती है तो वो जाए, छोटे ग्रुप में जाए, स्कूल में जा कर के मार्गदर्शन प्राप्त करें। कुल मिलाकर पढ़ाई की निरंतरता महत्वपूर्ण है, और वो जैसे भी निरंतरता रह सकती है वैसे करने का प्रयास कर रहे हैं।